सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज का दिन संडे का पवित्र दिन को परमेश्वर अपने घर पे लेकर आया और मैं खुश हुआ आप सभी को यहाँ पर देखकर, प्रेम भाव को देखकर। और बहुत सारी बातें आज परमेश्वर आपसे बताएंगे, बहुत सारी वो बातें जो अभी तक हम और आप नहीं जानते परमेश्वर आने वाले फ्यूचर के बारे में बताएंगे। और आज हम उस परमेश्वर से मिलेंगे जो वाक्य में जीवित परमेश्वर है, जो सदा का परमेश्वर, जोरावर परमेश्वर है। हमने आज तक सुना था परमेश्वर के बारे में, आज आप देखोगे भी, हमने सुना था परमेश्वर के आश्चर्यक्रम के बारे में, आज उसको महसूस भी करोगे। सबसे बड़ी बात है कि यूथ है यहाँ पर, यंग है यहाँ पर, और उन्हीं के बीच में मैं जाता जाता हूँ क्योंकि आज यूथ और यंगों का हाल बहुत बुरा है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो सबको यहाँ पर लेकर आया है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ने आदर करा और वो इतनी दूर लेकर आए। परमेश्वर के दास का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं कि इन्होंने इतना मेहनत करी। और दूसरा कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर खुशी आने वाली है और खुदा का धन्यवाद करते हैं। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आप अपने घर पे लेकर आए, धन्यवाद करते हैं खुशी में तूने शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो होगा पिता से पहले कभी नहीं हुआ पिता, आज जो होने वाला पिता वो अद्भुत होने वाला है। आज तेरे यहाँ पे अग्नि आएगी पिता परमेश्वर, आज हर बंधन शराब टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, आज इनकी लाइफ सेम नहीं रहेगी मैं विश्वास करता हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुंबई क्षेत्र में बड़े काम करने जा रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस मुंबई को भी पिता आप बदलने वाले हो, मैं विश्वास करता हूँ पिता परिवार अब से सेम नहीं रहेगा। मैं आपका विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ जितने भी लोग हैं पिता आज से वो तेरी आशीष को, तेरे दुगने मस्से को देखेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तूने यहाँ पर सबको बिठाया, ये तेरा आदर कर रहे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। अभी तक संभाला, आगे संभाला, आगे का सारा समय तेरा मैं सौंपता हूँ प्रभु जी। पिता मेरा बोलना, समझना, प्रार्थना, वचन देना, भविष्यवाणी करना सब तेरी ओर से हो पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं पिता परमेश्वर, सिर्फ तू बोले पिता और पिता हम सुने प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जब हम वर्शिप करते गाने गाते पिता परमेश्वर, तो तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ गीतों में जाएंगे भाई, गीत वो गीत गाएं अब आएगा ये भाई पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ मैं हाथ उठाता हूँ, जाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु मार्ग है, सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे
यीशु तेरे लिए मैं हार चाहता हूँ। पवित्र आत्मा तेरे पाठ को मैं प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, तेरे आंगनों में स्तुति करूंगा। तेरे पाठ को मैं प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, तेरे आंगनों में स्तुति करूंगा। और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। तेरे पाठ को मैं प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, तेरे आंगनों में स्तुति करूंगा। और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंद किया, आनंद किया उसने आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया, आनंद किया उसने आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। उसने रात्र छोटे लुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाखे लुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अद मुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अद मुआ पड़ा, उसने दाखे छोटे लुंडेला। यीशु 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 मैंने तुझे पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझे पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ओ जीवित है जीवित है जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा वो, जीवित है जीवित है जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। बोलो आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा,
नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। मेरे दुष्टों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे की शब्द में दुष्टों की सेना में आएगा यीशु राजा। सन्नाटा में हम होसन्ना होकर रहमा में गाएंगे। सन्नाटा में हम रूपांतर होकर रहमा में गाएंगे। आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। विजय का दाता जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है। होसन्ना गाते सबको बताएंगे। होसन्ना गाते सबको बताएंगे। बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। धन्यवाद करते पिता सुंदर वर्षिप के लिए पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति यहाँ पर भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू यहाँ आया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तुम सबको छुएगा मैं विश्वास करता हूँ। आज हर एक पल पिता परमेश्वर तेरी हजूर में बीते पिता, आज हर एक समय पिता हम तुझे देते प्रभु जी। आज की मीटिंग ये कभी ना भूल पाए। आज इनका उद्धार हो, आज इनका छुटकारा हो, पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ। आमीन के साथ, आमीन यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मीटिंग के लिए। आंखें खुले और अद्भुत है यहाँ का। और देखो परमेश्वर दर्शन का वरदान दिया है। परमेश्वर धन्यवाद करता है। नाम देख रहा था मैं, आर से शुरू था, आर से किसका है? राजेश। कभी मिला हूँ? किसने बताया? और आपको डर ज्यादा लगता है, सपने अच्छे नहीं आते। आपके पैर में धागा भी एक काला रंग का, आपको डर लगता है, खुल के नहीं हो आप सोते समय। आज तुम छुटकारा देंगे। yes, amen. परमेश्वर ने ये दिखाया है यहाँ पर वचन की कमी है। एक वचन को सीरियस नहीं ले पाते, वचन पढ़ने में आलका, नींद, वचन पढ़ने में मन ना लगना। क्यों है ये? क्योंकि हम आपको क्रिश्चियन कौन कौन है यहाँ पर? आप मुझे पता था, इसलिए मैंने पूछा कौन कौन है। परमेश्वर मन की बात जानता है। आज मैं आपको उस परमेश्वर मिलाऊंगा जो शायद अभी तक आपने देखा सुना नहीं होगा। आपको पता है परमेश्वर हमारा बात करता है? किससे बात करता है? नहीं, बाइबल की तरह तो करता ही है, रूबरू करता है, उसकी आवाज सुनूंगा। आपके बारे में बताया था बहन, आप दुखी हो तो परेशान हो जाते हो, कहीं ना कहीं दर्द, कहीं ना कहीं बीमार अपने शरीर को लेकर। परमेश्वर होता है सबके बारे में, दिल खोल देगा। अभी गुस्सा भी आता है किसी को यहाँ पर काफी अचानक से,
देखते जाओ परमेश्वर क्या करने वाला है। और जवानों के हाथ में बाइबल का फोन ज्यादा है या नहीं? आप दोनों भाइयों, परमेश्वर आपको एक नए घर में, आपकी जो मैरिज है, लव मैरिज, अरेंज लव है भाई, परमेश्वर हमें जीवन देता है परमेश्वर के साथ बिताने के लिए। आप दोनों का जीवन खुदा में नहीं है, आप बाइबल पढ़ते हो, लेकिन मैं खुदा नहीं है। तो क्या कह रहे? मैं खुदा में नहीं हूँ। आप तो वही तो कह रहा हूँ, तो वही तो बता रहा हूँ मैं, जो परमेश्वर मुझे बताया। और आज जो आपके सामने मैं जो खड़ा हूँ, अभी जब मैं आपके अपने बारे में बताऊंगा तो आप कहोगे ये कैसे, क्योंकि परमेश्वर को हम नहीं जानते, नहीं समझते। पर उन्हें बताया कि परिवार एक खट्टा तो रहता है, लेकिन के मन अलग अलग है। लेकिन आज परमेश्वर एक करेगा। आमीन, आमीन। आज वो काम होगा जो आज से पहले आपने सुना ना देखा होगा, वचन के द्वारा बात करता है, लेकिन वचन नहीं पढ़ेंगे तो बात कैसे करेगा परमेश्वर? आपको चिंता ज्यादा है, क्या करते हो भैया? निराशा में रहते हो, कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूं मैं आपके ऊपर, एक बोझ देख रहा हूं, इरिटेटेड वाला, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग दे रहा है, हम ब्लेसिंग ले नहीं पा रहे। आप कहां रहते हो? मैं इधर ही रहती हूं, पर शादी हुआ विराम है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज जो भी मीटिंग है ना, जो बैठे, देखो आप बहुत अच्छे हो, सब बुरे नहीं है, परमेश्वर के लोग बुरे नहीं होते, लेकिन आंसू बहुत है आप सबके जीवन में, कष्ट बहुत है। पैसा मकान भी आशीष नहीं होता, सुख शांति सबसे बड़ी आशीष होता है। Yes, amen. अगर सुख नहीं है मेरी लाइफ में, शरीर सही नहीं है, मन सही है, तो कितना पैसा, कितना खाना रखो, सब व्यर्थ। परमेश्वर आज आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। एक को नाम दिखा रहा था परमेश्वर मुझे, एम से, एम मनोज, मेरा लड़का आया नहीं, फोन कर रहे हैं। सोया है। आमीन, सोया है। ये है परमेश्वर की रियल उपस्थिति। परमेश्वर बहुत सारी बातें आज खोलेगा, और यूथ है, जवान है ना, तो आज आप बहुत कुछ सीखे जाओगे। इसके पैर में काला धब्बा क्यों? डर लगता सर? नहीं, डर का नहीं, एक्चुअली किसने बता था, मतलब वो पेट में दर्द हो रही है, पेट में दर्द, उसके वजह से। अच्छा, हम किसके संतान? परमेश्वर के। किसके संतान? पक्का? पक्का, सोच लो एक बार, पक्का है? पक्का, पक्का भाई, परमेश्वर के संतान है। कितने बिलीव करते हैं, कैसे हम परमेश्वर संतान, परमेश्वर कैसे हैं हम, यूहन्ना के बारे में लिखा है कि उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया, ठीक है, अधिकार दिया। एक जानवर का बच्चा क्या होता है? जानवर का बच्चा क्या होगा? जानवर ही होगा। इंसान का बच्चा? इंसान। परमेश्वर की संतान? परमेश्वर। हम परमेश्वर है? नहीं। फिर हम संतान कैसे हो गए? अब तो फंस गए। अभी आपने बोला संतान, अब कह रहे नहीं, अगर परमेश्वर के संतान है तो हमें परमेश्वर से होना चाहिए ना, फिर काला धब्बा क्यों? परमेश्वर तो काला धब्बा है, उसको कोई बांध नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर के संतान है तो हमारे अंदर भी तो वही गुण होना चाहिए। Yes, amen. जैसे कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा, बोलते ना, जैसे माँ वैसे बेटी गए सकल मिलती है, तो हमारे अंदर वो खुदी क्यों नहीं मिलती? क्यों परमेश्वर तो नफरत नहीं करता, क्रोध नहीं करता, गाली नहीं बकता, फिर हमारे अंदर क्यों? क्योंकि हम शैतान के संतान हो गए, क्योंकि जैसा वो वैसा हम परमेश्वर की संतान है, ये रियल है। लेकिन शैतान हमें अपन में घसीटता है और हमारे मन पे काबू करता है। कौन सा इसका? हमारे मन पे जब काबू करता है तब हम उसके अधीन होने लगते हैं। इस संसार की चिंता, इस संसार का सब कुछ दूर करता। फोन साइलेंस कर देना, बंद करा सबको। ध्यान से सुनना बहुत, ये 15-20 ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के, क्योंकि अभी मैं अपने बारे में जब बताऊंगा तो आप भी कहोगे अद्भुत है परमेश्वर, क्योंकि युद्ध दे रखा है। अब जवान हो भाई, आप जवान हो, आप सब जवान बैठे हो, और मुझे अच्छा लगता है, मेरे पे 6000 यूथ है,
6,000 के कम से परमेश्वर करवाते हैं। और ऐसे ऐसे यूथ है जो शायद कल मरने वाले का परमेश्वर बचा लिया, इंडिया से लेकर यूक्रेन तक। MBBS यूथ है मेरे पास, जो बिल्कुल डिप्रेशन में लड़की थी और उसके जीवन में जब परमेश्वर काम कर रहा था, वो मिलने आई थी यूक्रेन से। परमेश्वर ऐसे काम करता है। आज जो मैं अपनी टेस्ट मनी से स्टार्ट करूंगा, परमेश्वर बहन आपके घर में भी बहुत कलेश, बहुत तकलीफ रहती है। आज आप इसलिए आए हो ताकि आप घर का भी आपको उद्धार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, वो जात पात नहीं बनाता है, उसने जगत से ऐसे प्रेम करा है। वहां पर जगत लिखा है, हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा है। प्रेम का भूखा है परमेश्वर। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं नहीं मानता हूँ, मेरे से कट्टर नहीं होंगे आप। मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, मसीह विरोधी था, नंबर वन क्रिश्चियन होने के बाद। पूरा पास्टर खानदान है हमारा, बिशप डिकन सब है हमारे खानदान में, यहां से लेकर इंग्लैंड तक मेरी बुआ वहां रहती है। लेकिन मैं इतना नफरत करता था, इतना बोर लगता था मुझे, क्या खुदा को कौन माने, क्योंकि ऐसा लगता था कोई मुझे बांध रहा है। मेरे घर में चर्च चलता था, मैं भाग जाता था। उससे पहले बताता हूँ, मेरे कारण मैं पाप में चलता गया। मैं क्रिश्चियनिटी था और ना मेरे पापा प्रार्थना में बैठते थे, ना मैं बैठता था, है ना। लेकिन पापा को परमेश्वर ने बताया कि मैं फ्रंट रहा, आप तो फिर भी बैठ गए, मैं तो भाग जाता था, बैठना ही नहीं है। इससे बैर रखा उसको पढ़ना नहीं, इसको देखना नहीं, इसको जानना नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया मेरी लाइफ पे 2006 कि मेरा पूरा परिवार जहर खाने पे था, फिनिश पे था। क्योंकि जब शैतान मारता कौन बचाता है? परमेश्वर। जब परमेश्वर मारता तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। रोंगटे खड़े कर देता है, खून क्या सुना जाता था परमेश्वर। शाऊल जैसा कट्टर रहेगा जो कहता था मैं तो विरोधी हूँ, और वही सबसे ज्यादा पत्र लिखने वाला बना, और उसको शालुदान परमेश्वर है। मैं इतना दूर था परमेश्वर से। एक दिन मेरे में मीटिंग हुई, जैसा आज हुई, और एक पास्टर आए थे मेरे जैसे थे, वो कहने लगे जैसे मैं आपसे बोलूं आप पास्टर बनोगे। उन्होंने भी मुझसे कहा भाई आपके माथे पे ऐसा है, 2009 की बात है, मैं कैसे उल्टी बात कर रहा हूँ, पास्टर नहीं बनता मैं, ये बोर काम नहीं करता मैं। और मेरे कारण मेरा परिवार जाता रहा। लेकिन 2018 में मुझे दर्शन हुआ, मेरे पास लौटाओ, मेरा परिवार तो कमबैक कर गया। सुनो, मेरा परिवार तो कम बैक कर गया, लेकिन मैं फेसबुक इंटरनेशनल पे बढ़ता गया, पाप में इतना बुरा बन गया कि जीएस कॉल तक मैं लड़ने चला गया। पाशो से मेरी हमेशा ऐसी रहती थी, और उसकी मार इतनी भयंकर पड़ी कि मेरे घर का, मेरे पापा की नौकरी चली गई, मेरी पढ़ाई छूट गई, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 10वीं पास हूं। मेरे घर का झाड़ू लगा दी परमेश्वर ने, मेरे दोनों बहनों का घर टूट गया। शादी में सक्सेसफुल नहीं होती जब हम खुदा से बैर रखते हैं, तो सब कुछ फिनिश कर दिया परमेश्वर ने। मैंने कहा अब तो मानेगा। फिर मैं एक मीटिंग में जा रहा था 2018 5 जुलाई को, मैंने कहा नहीं प्रभु कैंसिल, जाना ही नहीं है मुझे इस मीटिंग में। लेकिन वो मीटिंग कैंसिल नहीं हुई, मैं गया। और उसके बाद 5 जुलाई 2018 को जैसे मैं आया, मुझे आवाज आने लगी। सुनो आप कह रहे हैं आवाज बचन की तरह, मुझे आवाज आने लगी, कौन बोल रहा है मेरे पीछे पीछे, तो मेरा काम कर, कौन बोल रहा है जहां काम कर रहा हूं, कौन बोल रहा है, कौन मेरे पीछे पड़ गया। फिर एक दिन मुझे रात के 2-3 बजे मैं अपना फेसबुक पे चैटिंग कर रहा था, बैठा था, अचानक आवाज आई, मेरा काम कर, मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर हूं, तो मेरा काम कर। मैं फैक्ट्री में काम करता था, 1500 की नौकरी स्टार्ट की थी, 10,000 रुपया गया था, अच्छा फैक्ट्री थी। उसके बाद परमेश्वर ने कहा तू मेरा काम कर, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। दुनिया का सबसे बुरा इंसान परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, लाकर तोड़ देता है परमेश्वर। अरे कहां भागेंगे, किस कैसे भागेंगे, उससे खींच के लिए आएगा। लेकिन मेरे पास मेरी दो लाइफ है, एक वो लाइफ जो मेरे पाप के कारण, मेरे पापा की नौकरी, मेरी मम्मी को बीमारी, दोनों मेरा घर टूट गया, हम सुसाइड पॉइंट पे आ गए, हम रोज सोते थे झेल लो खा लो मेरे कारण। लेकिन जब परमेश्वर में आया तो सुसमय पर वो वापस करता है, आज मेरे कारण ही है। 100-100 रुपए के लिए रोता था मैं सड़क पे, मैं कहता था यार क्रिश्चियन होके तो सभी है, लेकिन मैं इसको गले लगाया ही नहीं, बहस कर रहा हूँ खुदा से, बहस कर रहा हूँ पास्टर से, कभी खुदा के साथ बैठा नहीं, बात नहीं करी, बहस कर रहा हूँ परमेश्वर के साथ। अरे तू कैसा परमेश्वर है, तू मुझे कुछ नहीं दे रहा, देख मैं फैक्ट्री में काम बनाने जाते थे, लेना पड़ता था, लोग कहते थे यार तू तो 100-100 रुपए के लिए तरस गया, तू तो कुत्ते बिल्ली से उधार ले लेगा, ऐसे ताने मारते थे। और आज एक साल में 150 बार प्लेन में बैठा चुका है परमेश्वर ने, एक साल के अंदर कोई बड़ा इंसान भी नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि इससे दोस्ती करी। जब ये लाइफ में आई परमेश्वर ने आदर देना शुरू कर दिया, रिस्पेक्ट। क्योंकि जब हम शैतान में होते हैं तो क्या कहते, तेरी गलती। लेकिन जब परमेश्वर में होते ना तो सबसे पहले अपनी गलती देखते, मेरे कारण तो नहीं हो रही है। और वो दिन है जब परमेश्वर युद्ध देना शुरू करा, और आज पूरे भारत में आज पूरे भारत में परमेश्वर डंके बजा रहा है। एक जगह से स्टार्ट किया था, अब 2 लाख लोग हैं परमेश्वर, पूरे भारत में
इतना बुरा इंसान, एक अनपढ़ मान लो दसवीं पास आपकी वैल्यू में क्या है, क्या है आज टेंथ पास क्या है भाई, कुछ है क्या वैल्यू? यदि आज देखो वकील है, इनकम टैक्स वाले है, एमबीबीएस डॉक्टर भी, और मैं प्रार्थना करूंगा मेरी बड़ाई नहीं परमेश्वर की बड़ाई है, आज आपके सामने यहां बैठा हूं, ये उसका प्रेम है, दो लाइफ है, अगर ये लाइफ चुनोगे तो नरक तो लिख के दे सकता हूं, और ये लाइफ चुनोगे तो डेली परमेश्वर में महिमा करोगे। हाँ मैं जानता हूं कि शैतान मनों पे काम करता है, मैं जानता हूं, मैं अपनी टेस्टमनी क्यों देता हूं, मेरे जैसे बहुत यूथ है जो मर रहे हैं, पाप करने में नंबर वन है, आज सुसाइड में सबसे ज्यादा नंबर वन यूथ है, और डिप्रेशन सबसे ज्यादा नंबर वन है, क्योंकि उनको कोई समझता नहीं है, गुस्सा ही सब कुछ नहीं है, उससे प्रेम से बात करो, आज उनकी कोई सुनता नहीं, इसलिए मैं उनकी सुनता हूं, मेरा नंबर में तो वो अपने दिल की बात खोलते हैं, और जब इंसान दिल की बात खोल देता है ना, समझता नहीं है, इंसान खाली हो जाता है। आज परमेश्वर आपके जीवन बड़े काम करेगा, हम उससे बचकर नहीं भाग सकते। आज के डेट लिखना क्या तारीख है, आज 20 अगली 20 में देखना जमीन आसमान का फर्क आपके मनों में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हम उस दीवार वाले परमेश्वर को मानते हैं ना, फोटो टंगा दिया आए, नहीं परमेश्वर हमारा क्या है आज पता चलेगा, और चल गया होगा, क्योंकि ये है रियल, पर मैंने फेस टू फेस परमेश्वर से बात करी, उसके दूतों से बात करी है, मैं भी सुन सकता कि वचन से तो बात करता ही है परमेश्वर, तो सबके लिए, लेकिन जब हम हमारा परमेश्वर जीवित है, और जीवित इंसान क्या करता है, बात करता है, कहता मेरे साथ बैठ, मैंने अपनी लाइफ को डेट अकाउंट से लेकर देख लिया, फिनिश पे था, इतना कट्टर था कि पास्टर डरते थे, लेकिन आज देखो वही जाना परमेश्वर के बाइबल के घूमता रहता, कभी कहां कभी कहां कभी कहां, आज भी हमारे घर में सब कमाते थे तो घर में पैसे नहीं होते थे, आज घर में कोई नहीं कमाता, फिर भी देखो परमेश्वर आशीष पे आशीष दे रहा है, क्यों? आप लोगों की दुआ, आप लोगों की जो ब्लेसिंग है, आप लोगों का जो प्रेम है, मुझे फीस नहीं है मेरी, ना तेल ना लेहन की कोई फीस नहीं है, कहां जाता हूं किसी कोई डिमांड नहीं, हाँ अगर भवन बनना कुछ बस उसकी डिमांड होती है, क्योंकि वहां जाएगा पैसा, मैं अपना घर नहीं होता, मैं आज भी किराए पे हूं, चाहे तो परमेश्वर एक दिन में दे सकता है, लेकिन मैं मस्त हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए फीस, आप लोगों की खुशियां, आप लोगों के जीवन में परमेश्वर की एंट्री, समय निकट खुद आने वाला, ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ऐसा ना हो कि उसकी लाठी पड़े और हम तिल मिला जाए, हम क्रिश्चियनिटी हमें मसीहा बनना है, हम जानते पंजाब, पंजाब जानते हैं अंकुर रमेश, देखा है अंकुर रमेश, आज बड़ी मिनिस्ट्री, वो अन्य जाति है, अन्य जाति से निकल के आए, उनका हमारा यीशु मसीह अलग कोई है, क्या कारण है, क्या कहां से कहां पहुंच गया यहां, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी देना सीख लिया, उन्होंने परमेश्वर को जानना सीख लिया, उन्होंने रियल गॉड को मिलना सीख लिया, इससे बैर रखोगे और ब्लेसिंग जाके नहीं मिल सकती, मेरे लाइफ के टेस्ट बनी है ये, फिनिश हो जाओगे, लेकिन इससे दोस्ती कर ली तो घर बैठे खिलाएगा परमेश्वर, गारंटी मैं देता हूं, आइए बच्चे मैं जाएंगे प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज जो वचन खुल रहा है पिता, ये सब तेरी बेटा बेटी है, तूने सबकी जान दी है पिता, लेकिन मनों पे जो शैतान का कब्जा है आज वो हटेगा, मैं डिक्लेयर करता हूं पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं आज यहां पे लाने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला वचन निकालिए, क्योंकि प्रभु देखो आपके आंसू हैं, आप सब बहुत अच्छे हो, मनुष्य बुरा नहीं होता, जैसे कि कोई मनुष्य जब शराब पीता है तो शराबी बोलते हैं, वो बुरा नहीं, उसके अंदर शराब ही हुआ है, अगर वो शराब छोड़ देता है और खुदा का कलाम पकड़ लेता है, उसे शराबी कोई नहीं कहेगा, मनुष्य बुरा नहीं, आप लोग बुरे नहीं, बहुत अच्छे हो, क्योंकि शैतान आपके मनों पे इस समय कर रहा है, जब मैं पूछ रहा था खुदा से प्रभु हाँ क्या है, मन पे शैतान का कब्जा, मन पे शैतान का कब्जा यानी कि परमेश्वर दूर, क्योंकि इंसान जब शरीर पे एक बार करता है शैतान तो क्या होता है, एक बीमार हो जाता है, लेकिन मन पे करने वाला उसको गुलाम हो जाता है। देखो पहला वचन प्रभु ने क्या दिया मुझे, निर्गमन ओ यर्मिया 17 अध्याय उसका 9 से लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगाए, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन क्या होता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, मन में जो बात डाली शैतान ने, नफरत कर, मत मान, मत पढ़, प्रार्थना कर, ये दुनिया की सबसे भारी किताब है, आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लोगे शैतान आपको पढ़ाते रहेगा, पढ़ते रहे बेटा, इसको पढ़ोगे ना तो नहीं पढ़ने देगा, उसे पता है इसमें फॉर्मूला है शैतान को हराने का और आशीष पाने का, इसे मत पढ़, बस वो कहेगा इसे मत पढ़, दुनिया की हर चीज दे दूंगा तुझे, और इसे पढ़ने के बाद जो लाइफ में जो इंक्रीज आता है, जो लाइफ में मजा आता है, अलग ही आनंद है। लिखा है, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है,
उसमें आसादी रोग लगा, कौन उसका भेद समझ सकता है। शैतान मन को नहीं पढ़ पाता, मन में बात डाल सकता है, ऊपर से डाल सकता है, लेकिन मन की बात जब तक नहीं पड़ेगा तब तक वो डालेगा नहीं। आज हो सकता है मन में आपकी बात डाल दियो, नफरत डाल दियो, क्रोध डाल दो परमेश्वर के प्रति, जैसे मेरे मन में डाला था, है ना, परमेश्वर नहीं है, कट्टर था, इतना कट्टर कि यहाँ तो बैठ गया, मैं तो बैठता भी नहीं था। देखिए परमेश्वर मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे पाप पसंद था, मुझे परमेश्वर पसंद नहीं था। देखिए परमेश्वर ने मुझे जब कीचड़ से निकाला, अरे जो मुझे बदल सकता है वो आप लोगों को बदलेगा, यीशु मसीह का नाम है। आज की डेट परमेश्वर आपके लिए है, आपकी ब्लेसिंग आज से स्टार्ट है, आपकी लाइफ आज से स्टार्ट है। वर्ष होते एक महीना खुदा को दो, मैं आप सबसे एक महीना मांगता हूँ, एक महीना तन मन से परमेश्वर के पास हो जाओ, लिख के दे सकता हूँ, जो चीज खोए नहीं सब पाओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं उस परमेश्वर से मिलकर आया हूँ और मिलता हूँ जो वाक्य में कायनात को बनाने वाला है, जो वाक्य में कृष्ण नहीं सबका परमेश्वर है, जो बहन बेटी है इसका भी परमेश्वर, देखिए घर का भी परमेश्वर। देखिए मांगो तो सही, टाइम तो निकालो, दुनिया की ब्लेसिंग चाहिए ना, खुदा को छोड़कर ब्लेसिंग शैतान भी देता है, कीमत ले लेता है, कीमत लेता है उसकी, सब कुछ ब्लेसिंग है उस पे, चमत्कार भी करके दिखा सकता है, लेकिन शांति और उद्धार नहीं है उसके पास। yes. शांति उद्धार नहीं है उसके पास, कुछ भी ले लो उससे, कहेगा बस उसकी एक ही शर्त है, बस इसको मत पढ़ ना, खुदा के पास जा, मेरा बेटा बनकर रहे, मेरे चेला बनकर रहे, मेरी बेटी बनकर रहे। लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, कौन उसका भेद समझ सकता है, मन में बात कैसे डालता है परमेश्वर। प्रयत्न काम मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, जो समय मेरी टेस्ट परमेश्वर पता, टेस्ट में नहीं पता, ताकि लोग और युद्ध होता है ना, युद्ध मेरी भूख बढ़ जाती है वहां पर, कि आज युद्ध बहुत जल्दी मरता है। आज एक बाप बेटे को थप्पड़ नहीं मार सकता, क्यों, कहीं मर ना जाए, कहीं मुझे मार ना दे। आज एक लड़की को क्यों समझो तो लड़की भाग जाती है, लव मैरिज घर से भाग के साथ नंबर वन चल रहा है, क्यों, अंधा कर रखा शैतान ने। तो परमेश्वर 6,000 युद्ध दिए मुझे, आज माँ बाप फोन करते मेरे क्लब जाता हूँ उनको, इतना क्योंकि परमेश्वर के बाद जो नंबर है वो माँ बाप का है, अगर माँ बाप के जीवन में आंसू आ गए लाइफ लिख के दे तो कभी सुख से नहीं बैठ सकते, माँ बाप सब परमेश्वर की बात का हैंडल है, पहला परमेश्वर ही रहेगा, उसने मैं माँ बाप दिए। लिखा है प्रत्येक काम 5 अध्याय, हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। अब देखो झूठ बोलना, फ्रेप करना, धोखा देना, गाली बकना, सब शैतान ऊपर से डालता है, जैसे मन में आया हम बोलने लगे, जैसे मन में आया अपने पिता से लड़ने लगे, जैसे मन में आया अपने माँ से लड़ने लगे, जैसे मन में आया हम क्लेस करने लगे, जैसे मन में आया हम जो बोल रहे, क्यों, क्योंकि शैतान ऊपर से डालता है। और उसके दाम में कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी जानती, दोनों ने एक भूमि बेची। अब जब पैसा आया तो शैतान ने मन में डाला मत दे, रख ले, हमारा समय हो सकता है, हमारा कुछ भी हो सकता है, आज हम परमेश्वर के पास समय है, जिनकी है, कोरोना काल आया था ना, ताला लगा दे सब जगह, बैठो बैठो, जो कहता था समय नहीं है, समय नहीं है, समय ले लो पूरे साल का। परमेश्वर से एक एक बच्चा होता है, अगर एक बच्चा आपका बेटा है ना, अगर वो गंदी जगह खेल रहा है, 3-4 दोस्त गंदे है, किसको मार के लेके आओगे, उन तीनों को या अपने बेटे को, अधिकार है ना, अधिकार है। देखिए वो नौबत ना है कि परमेश्वर कान पकड़ के लेके आ रहा है, लेकिन आपका बेटा अधिकारियों का एक आवाज दोगे तो आ जाएगा वो, ऐसा ना कि उड़ाव पुत्र की तरह हमारा जीवन हो जाए, जब सुअर के साथ खाना खाना पड़े, जब कीचड़ में जाना पड़े, जब यकीन आए कि हाँ परमेश्वर क्या है, उससे पहले कम बैक करो। मैं नहीं चाहता कि जो मैंने खो के परमेश्वर को पाया वो आप सब पाओ, अब उससे पहले पालो यीशु मसीह का नाम है। लिखा है छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लगकर पेट के पाव में रख दिया। अब पतरस क्या कहता है, पतरस ने कहा हे हन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली, लालच की, झूठ की, फ्रेप की। वहां खुदा का आत्मा कहां था, पतरस के अंदर था। अगर आज जो हम खुदा से झूठ बोलते हैं, माँ बाप से झूठ बोलते हैं, अपने आप से तो परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसके कौन है, हम उसके मंदिर तो है, जो हमारे अंदर बात करता है, हमारे वस्त्र, हमारे अंदर वास करता है परमेश्वर। क्योंकि चर्च में बैठने से न्याय नहीं होगा, चर्च में बैठे, चर्च में तो कोई भी ताली बजा लेगा, चर्च में ताली बाहर गाली, चर्च में दूध बाहर यमदूत नहीं चलेगा, चर्च में तो सांप भी आराम से बैठ जाएगा ना। हमारा लाइफ बाहर क्या है, घर में क्या है, हम कितने घर में पवित्र रहे, चर्च में तो 2 घंटे पास करने कोई भी बन जाए, लेकिन रियल क्या है, बाहर कितना है, हम दुकान पे खड़े हैं, शॉप पे खड़े हैं, फोन देख रहे, क्या हमारी आंखें कर रही, क्या हम सुन रहे, क्या देख रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि देखो आप सब अच्छे हो, परमेश्वर आज आपको बदलेगा, मैं जानता हूँ हम जब बदलते नहीं बदल पाते, खुदा इस मीटिंग के द्वारा आप सबको बदलेगा। Yes, अब यहाँ लिखा है, पतरस कहता है
हे हनिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है? तू पवित्र आत्मा झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। ये बात जो तेरे पास क्या तेरी नहीं थी? जब वो बिक गई तो क्या तेरे वश में नहीं थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी है? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला है। झूठ बोलने की सजा क्या? ये बात सुनते हनिया गिर पड़ा और पांच हो। झूठ की भी सजा इतनी भयंकर है जब हम परमेश्वर झूठ बोलते हैं, जब अपना समय, अपना बॉडी, अपना सब कुछ खुदा को नहीं शैतान को देते हैं। मेरे अजीजों, ये परिवार परमेश्वर का है। आज ये मीटिंग है, आज भाइयों की शादी होने वाली है। बहुत अच्छा समय खुदा ने दिया ताकि जब शादी होती है तो हम एक पड़ाव पार करते हैं और आगे आते हैं, नया घर मिलता है, सब कुछ एक नया डिफरेंस है। उससे पहले, क्योंकि आज के डेट में शादियां शैतान करवा भी रहा है और तोड़ा भी रहा है। मुझे पता है, मैं हजारों फोन आते हैं, मुझे पता है आपको भी, आपसे बड़े हो क्या? शादियां कहाँ चल रही है? एक एग्रीमेंट पे चल रही है, जैसे मकान चेंज होता है वैसे शादियां चेंज हो रही है, क्योंकि समय बहुत अनुकूल, समय विपरीत है, क्योंकि परमेश्वर के साथ बैठने वालों के समय आशीषित है। तो आज से अपने मन को खुदा की ओर लगाइए, प्रार्थना करें, खुदा से बैठ कर बात करें, परमेश्वर हमसे बता हमारे जीवन में, क्योंकि माँ बाप की जो पूंजी है बच्चे हैं, और बच्चे अगर अपने एंटर में नहीं, बच्चे सही नहीं तो माँ बाप बोलते हैं। एक बच्चन के द्वारा आशीष थे, एक गवाही सुनाता हूँ। एक बेटे, तीन जने थे एक परिवार में, तीन जने, माँ बाप, एक लड़का 20-25 साल का। अब वो क्या कर रहा है कि बाप गुजर गया, उसका बाप पास्टर, तो बेटे पे जिम्मेदारी आ गई कि बेटा ने छोड़ दिया खुदा, बिल्कुल छोड़ दिया। माँ पे आ गई, माँ प्रचार कर रही है तो बेटे को कह रहे हैं, और उसको कह रहा है कि तो पहले बेटे को बदल, हमें बदल, हमें बाद में सुनाइयो। अब बेटा क्या करा, ड्रिंक पीने लगा, 400 रुपये रोज कमाने लगा और पैसा उड़ाने लगा, बहुत बिगड़ गया अति से अति। लेकिन माँ बाप को समझ नहीं रहा, माँ को नहीं समझ रहा, कूड़ा करकर समझ रहा है, माँ रो रही है, कुछ नहीं देख रहा, माँ रो ही जा रही है, प्रार्थना करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, लेकिन सुन नहीं रहा। 400 रुपये कमाता था, सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 5-6 बजे आता था, लेकिन घर में आता था 12 बजे। एक दिन क्या हो गया, जो 400 रुपये उसको दिहाड़ी मजदूरी था, एक दिन माँ प्रार्थना करी, परमेश्वर आत्मा उठा ले, मेरे बेटे को बदल दे, उसे कहना बंद कर दिया उसे, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है ना। अगर आज आप सबके दोस्त हो और आप सभी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और कभी मुसीबत रात के 2 बजे आए, फोन करना माँ को और फोन करना पिता को और फोन करना दोस्तों पे, कौन सबसे पहले आएगा? माँ बाप। इससे थोड़ा दोस्त नहीं। अब वो रो रही है और प्रार्थना कर रही है, सब कुछ छोड़ दिया खुदा को, एकदम छोड़ दिया। एक दिन क्या हो गया, जैसे ये मीटिंग चल रही है, एक दिन उसका नाम अगस्टिंग था, उस लड़के का क्रिश्चियन था। एक दिन क्या हो गया, उसने वाइन शॉप पे गया, उन्होंने पैसे लिए और उसकी छुट्टी जल्दी हो गई। बॉस ने बोला आज मेरे घर में फंक्शन है, आपको छुट्टी जल्दी दी जाती है, 5 बजे होती थी, 1 बजे छुट्टी ले लो, पूरे पैसे ले लो, शाम को खाना भी है। उन्हें कौन जाकर करेगा, तू पैसे दे। उन्हें पैसे लिए, वाइन शॉप पे लिया, बोतल जेब में रखी और टाइम पास करने लगा, क्योंकि उसे एक लेडीज के घर जाता था वो 7 बजे, और वहीं पीता था, वहीं खाता था, वहीं रहता था, फिर रात के 12 बजे जाता था। अपना टाइम पास कैसे करूं, 2 बज रहे, टाइम पास कैसे करूं? तो इसको आवाज आई गानों की, उन्होंने कहा गाने मसीह गाने, कृष्ण था वो, टाइम पास करता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ। वो चौखट पे बैठ गया, पाशे जैसे खड़े, पाशे ने जैसे अभी मैं प्रभु ने बताया ना, वैसे ही नाम बताया, तुरंत नाम बताया उनका, ऐसे लड़का यहाँ पर जो अपनी माँ को टॉर्चर करता। वो रोने लगा, इतना रोया तो रोया, भाग के आया खुदा की दास के कदम में गिरा। उन्होंने कहा पाशे जी, मैं ही वो लड़का हूँ जो अपनी माँ को टॉर्चर देता है। बाहर गया, उन्हें माफी मांगी, बाहर गया, पहला काम किया गया उसने, बोतल ली जेब से, दीवार में फेंक के मारी। जब उस गली से जा रहा था तो लड़की ऊपर खड़ती है, उन्हें कहा अगस्टिंग कहाँ जा रहा है? उन्हें कहा अगस्टिंग मर गया। अब भैया प्रभु का बेटा है, माँ से गले मिला, माँ से करा, आज बिहार में सब थोड़ी निश्चित चला रहा है। ऐसे बदलता है परमेश्वर, रॉकेट जैसा बदलता है। अरे शाऊल को पॉलिस बदलता है, जब मुझे खड़ा कर सकता है तो आज आपको भी खड़ा करेगा, दुगना अभिषेक ही आएगा। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी हाथ उतर आए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज हर एक के जीवन में तो आज बंधन तोड़ दे, इनकी उदासी हटा दे पिता, इनकी पिता परमेश्वर आज काया पलट दे मेरे परमेश्वर, आज क्रिश्चियन ने इनको विश्वास से बना दे पिता, एक मसीहत बना दे पिता, तेरे वचन की भूखे प्यास से बना दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं इनको ब्लेस घोषित करता हूँ, इनके शादी को ब्लेस घोषित करता हूँ, आने पिता समय को ब्लेस घोषित करता हूँ। प्रभु जी मैं तो यहाँ से जाऊंगा पिता, लेकिन आज आप यहाँ ठहर जाना पिता, इनके घर में ठहर जाना पिता परमेश्वर, ताकि इनका जीवन बदल जाए पिता, और जब अगली बार मुझसे मिले तो उनके हाथ में बाइबल हो, इनके जीवन में बाइबल हो, इनके पिता दिल दिमाग पे वचन हो पिता परमेश्वर, ताकि जब ये बोले तो वचन बोले, जब चले तो वचन से चले। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यहाँ सबको लेकर आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करता हूँ यहाँ ब्लेसिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आइए दो दो जने प्रार्थना, आप दोनों आइए पहले, आपकी शादी है आपके बंद।
होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इन दोनों को तब सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हर वो नेगेटिव पावर, हर वो चीज मैं कैंसिल करता हूँ आज के बाद से। तेरे बच्चे तुझे सुने, ये देखे, तुझे माने पिता परमेश्वर। मैंने ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु राजा, कोई भी अड़चन बीमारी इनके पास ना पाए। तू आज बात कर पिता, तू बात कर पिता परमेश्वर, तू उन जवानों से बात कर परमेश्वर। शैतान अभी तक बात करता आया, आज तक गुस्सा बात करता आया, आज नफरत बात करता है, लेकिन आज तू बात कर, तू बात कर। तुमका परमेश्वर मैं इनको प्रेस घोषित करता हूँ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। हर जा अभिषेक से इन द नेम ऑफ जीसस, हर बंधन हर श्राप को अंधकार से आउट यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज तेरे बच्चे का नया जीवन हो, मैं प्रेयर करता हूँ यीशु मसीह का नाम। आ जाओ भाई, जो काम पर मैं तरक्की देना पिता, माँ बाप का आगे क्या करना, सभी जनों को पिता परमेश्वर, और इनका ब्लेस करता हूँ दोनों जनों को पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी दिक्कत अड़चन ना आने पाए, दोनों के जीवन में अद्भुत काम कर यीशु मसीह के नाम से। Holy Ghost fire in the name of Jesus. पिता परमेश्वर तेरी बेटी के जीवन में अद्भुत काम कर देता। जो दर्द परेशानी है, जो तकलीफ है, जो रोना से बंद कर दे पिता। अपने बेटे के आंसू दे पिता परमेश्वर, और के जीवन की हर खुशियां दे पिता, चंगाई दे पिता। आज से कोई दर्द इनका हिस्सा नहीं, कोई गरीब इनका हिस्सा नहीं, कोई परेशान का हिस्सा नहीं, बदल दे पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी पिता। हर नेगेटिव पावर, हर वो चीजें जो तुझसे दूर ले जाती है, हर वो चीजें पिता जो तुझसे दूर जाके नरक में ले जाती है, ऐसे कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है, आज इस जगह को बदल दे पूरी तरह से। हाँ और आमन के साथ मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, आज से तेरा बेटा तेरी आवाज सुने यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे से दो करता वचन कहता आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं पिता। मैं तो प्रयास घोषित करता हूँ प्रभु जी, आज अभी सेवक से पिता इनके जीवन की हर बीमारी, हर तकलीफ, हर निराशा दूर हो जाए पिता। पिता का धन्यवाद करता हूँ इस बेटे को अपनाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ उसको नया करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता तेरे दादासी पिता परमेश्वर, जो बहुत सुन दिया सो कर पाए प्रभु। मैं ब्लेस घोषित करता हूँ दोनों को, आत्मा से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। छोले मेरे परमेश्वर आज इनको पिता, आज ये सेम ना रहे, इनके उदासी हटा दे परमेश्वर, इनके उदासी, इनके लड़ाई झगड़ा का कलेश, इनका मन सब हटा दे पिता। आज इनके मन बदल दे, इन्होंने पिता मुझे नहीं तुझे बुलाया है पिता। ये सेम ना रहे पिता, इनके हर बात में ग्रोथ हो पिता परमेश्वर, और शैतान के अंदर का हर वो बारीक चालों में कैंसिल करता हूँ आज से पिता। ये तेरे जिए और तेरे लिए आगे बढ़े यीशु मैंने वही बताया था। अच्छा ये तेरी संतान तेरा अद्भुत हाथ इस पर आए, वैसे ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु राजा। नरक की अंधकार की शक्ति को आप आशीष पाने से नहीं रह सकती पिता, मुझे तेरी संतान है मुझे। हर डर, हर निंद का ऐसा आत्मा जो तूने नहीं भेजा, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, और तेरी आवाज सुनने तेरी से बात करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धागा काट देना, धागा विश्वास को दर्शाता है, और ये परमेश्वर की नजर में गुनाह है। धन्यवाद करते पिता प्रभु, उनको ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ प्रभु जी, पूरी तरह से उनको ब्लेस करे, आशीषित करे पिता, इनकी उदासी हटा के यश करना है पिता। आज से जो चिंता है पिता अपने बेटे को लेकर, वो दूर हो जाए पूरी तरह से प्रभु जी पिता। तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम। आमीन। क्या कर रहे कॉलेज? धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पिता जब तेरी बेटी खोली जाती है तो हर ब्लड की बातों में, हर प्रकार की अननेसेसरी बात को दूर रखना प्रभु जी। तेरी मैं इसे तेरा अभिषेक घोषित करता हूँ, हर नेगेटिव पावर को दूर कर पिता, तेरे नाम की महिमा में आगे बढ़े पिता। इसके अंदर तेरा भय कि तुझे मानती है, जानती है पिता परमेश्वर, और आज से ये दुगने अभिषेक से भरेगी पिता। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु राजा पिता, धन्यवाद करता हूँ ब्लेस करने के लिए। इसके
हर रास्ते के रुकावट को कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। यस सर, मैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी बेटी रोती होते बच्चों की चिंता है पिता, तू मुर्दे जिंदा करता है, काम तेरे लिए कठिन नहीं है पिता। ब्लेस करता हूँ बाबू जी, इनकी जिम्मेदारी तेरा सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आज से पिता तेरी बेटी के आंसू को देख पिता, और आंसू के लिए तू उतार आज यहाँ पर, मैं धन्यवाद करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। ओके सर, ओके ना सर, आइए लास्ट के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू यहाँ पे लेकर धन्यवाद करते हैं, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा कि तू यहाँ पर है क्योंकि और इनके हर खुशी में साथ दे। देखिए जो शैतान इनके मन कर रखा आज से कैंसिल करता हूँ यीशु राजा पिता, यहाँ पर आना प्रार्थना करना वचन देना सब तुझे भाई पिता परमेश्वर, और ब्लेस घोषित करता हूँ, और फिर से आना होगा तो गवाहियों के साथ मैं धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा के साथ परिवार सब परिवार के साथ बने रहे आमीन। आमीन। जय मसीह की, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। यस आमीन। हां परमेश्वर का नाम डरना नहीं किसी से, बैठो बैठो फर्स्ट बैठो, मेरे वो बॉक्स को प्रे करो उस शादी का कार्ड से, और आप हमारे तीनों घर को अभिषेक कर दो पानी से।